हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के विधानसभा मछली शहर के बड़ेरी बाजार में। आज यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी हैं, आज हम बात करेंगे, पूछेंगे क्या माहौल है। सबसे पहले सर, हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आप लाल टोपी बांधे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि लाल टोपी वाले गुंडा होते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिलेश यादव, जिला कार्य समिति समाजवादी पार्टी का मैं सदस्य हूँ। रही बात योगी जी जो कहते हैं, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि लाल टोपी वालों से उनको नफरत है और उनके लाल साण से पूरे प्रदेश को नफरत है। ओनली उनको खाली अपने आप में नफरत होगी खाली लाल टोपी से, उनके लाल साण जो चल रहे हैं, उनके जो किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे पूरे प्रदेश को नफरत है। और लाल टोपी नफरत कर क्या करेंगे? आपसे मेरा सवाल है, वर्तमान विधायक यहाँ के जगदीश सोनकर थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका टिकट कट गया, जनता विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी नई प्रत्याशी आई हैं रागिनी सोनकर जी, क्या उनको लगता है यहाँ जनता पसंद कर रही कि नहीं कर रही? बिल्कुल पसंद कर रही है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको भेजा है यहाँ उनकी बात है। जनता यहाँ प्रत्याशी कुछ नहीं करता। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसमें जात धर्म भेदभाव लिंग कोई बात है ही नहीं है। जिसको उन्होंने भेजा है, यहाँ की जनता, मछली शहर की पूरी आवाम, पूरी जनता, पूरा आवाम एकदम रागिनी सोनकर को अपनी बेटी अपनी बहन मान करके जिताने जा रहा है 10 तारीख को। विकास का क्या मुद्दा है? विकास के मुद्दे हमारे ये हैं कि पूरे प्रदेश में पहला मुद्दा है कि जो गरीब आदमी है, जिसके यहाँ सब लोग बिजली से परेशान रहते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, छोटे किसानों को जो 2 एकड़ से कम है, जो लघु किसान कहे जाते हैं, उनको 2 बोरी DAP 5 बोरी यूरिया फ्री, नहर पानी मुफ्त, सिंचाई मुफ्त है, इंटर तक पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को सभी को लैपटॉप, KG से लेकर के MA तक सारे लड़कियों को मुफ्त शिक्षा। आपसे मेरा यह सवाल है, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन क्या हुआ कि साइकिल पंचर हो गई? ये देखिए, जनमानस है, जनमानस पूरा प्रदेश जाति और धर्म में बांट करके उन्होंने आकर्षित किया। जनता का मूड था, जाति धर्म के नाम पर एक बार वोट कर गई, 5 साल पूरा उन्होंने सरकार चलाया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और अगर आप विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो आपको ऊपर लाठियां पड़ी। 5 साल सरकार ने इसी तरह से पूरा समय बिता दिया, और कोई भी बता दे पूरे प्रदेश में कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कौन काम किया, एक काम कोई बता दे बड़ा काम, जो कहिए हार जाऊंगा। लेकिन नेताजी, आपसे मेरा सवाल है, आप BJP से इतना नाराज़गी क्यों? राशन मुफ्त में दे रही है, तेल चावल गेहूँ सब दे रही है, तब क्यों नाराज़गी? राशन मुफ्त वो अपना नहीं दे रहे हैं, आप ये जानिए कि हमारा ही राशन हमको लौटा रहे हैं और हमको गरीब बना रहे हैं, निरंकुश बना रहे हैं। आप 31 मार्च तक क्यों कह दिए कि 31 मार्च के बाद अब राशन नहीं मिलेगा? सारी जनता जान रही है, यही मार्च के बाद आपको राशन नहीं मिलेगा, जो फ्री के देते थे, फ्री वाला राशन अब बंद हो जाएगा। इसके बाद शायद आप एक पिक्चर देखे होंगे, उसमें बताता है कि जब फ्री का राशन ले कर कहता है कि इनके अंगूठे का निशान भी ले लें क्या, तो मालिक बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं, हराम की इनको खाने की आदत पड़ने दो। हराम की खाने की आदत पूरे प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन लोगों को निरंकुश बना दी, 4 महीने 6 महीने दे करके। इसके बाद कौन देगा? अब तो 10 मार्च इनका बोरिया बिस्तर उठा जाएंगे, चले जाएंगे मंदिर में, कौन देगा तब? आपसे यह भी मैं पूछना चाहता हूँ, मणियाहो विधानसभा 370 से सुषमा पटेल जी सपा की प्रत्याशी हैं, लेकिन जब उनको टिकट मिला तो उनका पुतला फूंका जा रहा था, आखिर क्यों? ये राजनीति है, पुतले फूंके जाते हैं, पुतले बनाए जाते हैं, पुतले जगाए जाते हैं, पुतले जियाए जाते हैं। राजनीति में सब माने नहीं रखता, चाहे जिस प्रदेश में आप, चाहे जिस विधानसभा में आप देखेंगे,
कोई नया आदमी आता है तो उसके धुरी विरोधी, उसके बगल के जो विरोध करने वाला है और दूसरी पार्टियों के लोग भी विरोध करके, पुतला में क्या रखा है कोई जान रहता है? यही पुअरा डाल करके पुरानी शर्ट पर जला दिए, पुतला हो गया। केराकत में भी पुतला फूका गया तूफानी सरोज जी का। देखिए, पूर्वांचल के सबसे अच्छे नेता, सबसे ईमानदार नेता, सबसे बड़े नेता, इसमें बड़े चेहरे में पूर्वांचल में माननीय सांसद तूफानी सरोज जी हैं, जो केराकत विधानसभा से इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन उस कैटेगरी का नेता आपके पूरे पूर्वांचल में इस समय किसी पार्टी में नहीं है जैसे तूफानी सरोज जी हैं। और 1,10,000 वोट कम से कम हो पाएंगे, आपसे वादा करता हूँ 10 तारीख आप जीतेंगे, पूरी विधानसभाओं में 9 में सबसे ज़्यादा तूफानी सरोज जीतेंगे। आप सर काफ़ी समय से खड़े हैं, आप अपने कुछ विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखिए, क्या माहौल है, क्या विकास है समाजवादी पार्टी का, कि खाली चूरन दे रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी? माहौल समाजवादी पार्टी का बहुत बढ़िया है, पूरे प्रदेश में है। और चूरन की बात मत करिए, समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं, समाजवादी कथनी करनी सच होती है, चाहे मुलायम सिंह का दौर रहा हो, जो कहे थे वो किए थे। ये भाजपा वालों जो हैं वो जो लॉलीपॉप देते हैं, ठीक है, ये चूरन समाजवादी कभी नहीं देता, जो मैनिफेस्टो है उसको करेंगे और उससे ज़्यादा करेंगे। आपको नहीं लगता कि इतना संगठन को लेकर चलना 5 साल बहुत बड़ी बात हो सकती है? अरे माननीय अटल बिहारी जी सरकार चला बनाए थे, कितने लोगों गठबंधन करके चलाए थे, 5 साल चला लिए थे, तो उससे छोटा ही गठबंधन है, बड़ा गठबंधन नहीं है, सब एक विचारधारा के लोग हैं, सरकार बहुत बढ़िया चलेगी और 24 में यही गठबंधन 24 में भी बाहर कर। क्या नाम है सर? महेंद्र कुमार यादव। ये बताइए यादव जी, क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में, साइकिल की टायर चलेगी नहीं? बहुत बहुत तेज, बहुत रफ्तार से चल रही है। 10 मार्च को भगवा लहरेगा कि साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी, साइकिल। कितना सीट ला रही है समाजवादी पार्टी? पूरा 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 यहाँ जो 9 है, 9 आ रही है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट ला रही है? उत्तर प्रदेश में बहुत सीट, पूरा पूरा ला रही है, पूरा टप्पा, हाँ पूरा पूरा। आपका क्या नाम है सर? मां गोपीनाथ यादव है मेरा नाम। ये बताइए सर, आप तो काफी दिनों से लगता है राजनीति करते हैं, लेकिन माहौल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सांड से परेशान है, अब साइकिल सरकार बनने वाली है, बस इसके आगे और क्या कहूँ। पक्का साइकिल? हाँ, पक्का साइकिल। यहाँ तो जो आपके प्रत्याशी उतरे उनका भी विरोध हो रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं, कोई फर्स्ट क्लास प्रत्याशी है, नंबर एक प्रत्याशी है। गांव की महिलाएं कहती हैं आई हैं चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो नेत्र सर्जन है, वो सबकी आँख की सेवा करेगी। कन्फर्म? हाँ कन्फर्म। आपका क्या नाम है? रवि यादव। ये बताइए क्या माहौल है बड़ेरी में? बड़ेरी माहौल ये है कि यहाँ समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी में क्या विकास किया है? विकास जो पहले से मतलब जो वही है, खाली योगी जी नाम उसको चेंज करके चेंज किए हैं, समझ लीजिए। अच्छा, इसके पहले जो यहाँ वर्तमान विधायक जगदीश सोनकर जी थे, कुछ विकास किए थे कि नहीं किए? जगदीश सोनकर पहले विकास पहले कुछ किए नहीं थे, इसलिए जनता उनसे परेशान थी और चाह रहे थे, मतलब सब लोग, मतलब कोई नया कैंडिडेट आए यहाँ पे। क्या नाम है चाचा आपका? रामरूप यादव। रामरूप यादव जी, इस बार क्या माहौल है, किस तरफ जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में क्या है बताइए? बहुत कुछ है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या करती है कुछ कहिए? भाजपा राशन दे रही, तेल दे रही, तब क्या दिक्कत? राशन दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, 50 क्विंटल राशन चढ़ा ले रहे हैं उसके साढ़ गोरू, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? विधानसभा मछली शहर की प्रत्याशी आई है रागनी सोनकर जी, यहाँ की है नहीं, क्या माहौल है उनका? कोई यहाँ का हो न हो, जो समाजवादी से आएगा वो समाजवादी लोग उसी को वोट करेंगे। जगदीश सोनकर विकास नहीं किए थे? जगदीश सोनकर भी विकास किए थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जगदीश सोनकर को जो है कार्ड दिया, तो हम लोगों के सामने समाजवादी पार्टी से जो आएगा वही हमारा नेता है। कन्फर्म? कन्फर्म है। साइकिल? साइकिल। बताओ क्या नाम है आपका? मान नाम बसंतु है। बसंतु, ये बताओ बसंतु किस तरफ जा रहे हो गमछा बांध कर? हम सपा को रिजा थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज यादव है। क्या माहौल है यादव जी? माहौल यहाँ पर तो सपा की गठबंधन जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। एक तरफ चाय का फुहारा चल रहा है, दूसरे तरफ दूध का फुहारा, कौन जीतेगा? नहीं, फुहारा यहाँ पे ना चाय की ना दूध का है,
यहाँ पे तो फुहारा सिर्फ अखिलेश यादव के विकास का है। अखिलेश यादव कहते हैं हम दूध वाले हैं, मोदी जी कहते हैं हम चाय वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनका चाय तो एकदम फीका पड़ जाएगा इस बार। चाय फीका? फीका, एकदम फीका। यूपी वाले किस तरफ जा रहे हैं, कमल की तरफ या साइकिल? चाय नहीं बनेगा, दूध आएगा तो फिर चाय बनेगा। काला चाय पी के पी लें। काला चाय नहीं पियेंगे? नहीं, चाला काला वाला चाहिए। अच्छा, विकास क्या है समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में विकास इतना हुआ कि मोदी योगी जी आए तो उनको काम करने का मिला ही नहीं कुछ, और वो सिर्फ उन्हीं के कामों को बस आगे बढ़ा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं। अभी गिना दूं तो कंटिन्यू बहुत से कार्य हम उनको गिना दें। अभी अखिलेश यादव जी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्या? कि साइकिल पर चिलम भारी है। हाँ, अभी उन्होंने पिछला दौरा जब किया तो वहाँ पे लोगों ने बैनर दिखाया उनको कि लहर बड़ी करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है। उन्हें ये लाइन बहुत पसंद आई, इसकी प्रशंसा की है वो, और जाहिर है कि वो भारी है ही यहाँ पे क्या पूरे यूपी में ही भारी है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ आजाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।